आणि फुकटची लिंक मागील या मागील व्हिडिओ आया छत्रीने तू बोलली ते जग दे ये तो इकरे आता टार्गेट अरे नाही ये तू ये इकरे 28 रन्स अरे ते मुकेश इस मॅच के जीतने के लिए 28 रन बनाने जरूरी ना आई जोडे आयला तर तुरशी त्याला दादू गणेश मनेरा रोमित कैप्टन गुड बॉय केवनी के कैप्टन आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है गुड बॉय केवनी कैप्टन विकेट का बदल हो सकता था चलिए एक रन जरूर बॉल खाने तो वीडियो देते नहीं अरे बाबा तो लैपटॉप बल्लेबाजी की कमान पर है इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आते हुए इस बार इस टाइम इस शो गेंद हवा में और यहां पर मूवमेंट सेंटर की गिरती हुई और लगभग खराब बैटिंग का प्रदर्शन दो रन लग जरूर पूरे किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने अंकल हाय ही कुर्सी भेटेल तुझं लगे ऊन सेल मोबाईल बिल्कुल इस प्रतियोगिता के लिए त्यावाले पूछा भी नहीं रे अंतिम और आखिरी मुकाबला कुछ ही वक्त में शुरू होगा बिल्कुल लेकिन इस वक्त गिरी है गिराई गई है मैं तो यही कहूंगा क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स को और मौका मिले यंगस्टर्स को मौका मिले इसलिए तमाम तो विकेटों का आवागमन जारी है जीत के लिए 28 रनों का पीछा करती हुई टीम स्कोर जिस वक्त 6 रनों पर दर्शाता हुआ तानाजी पाटिल फिर से एक बार सज्जो से अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज पूरी तरीके से गणेश इस बार कदम बाहर करने का प्रयास गेंद हवा में और ये खूबसूरत कैच विकेट का बदल होता है बड़ा विकेट जरूर मिलता हुआ गणेश आउट होकर पहली गिरा लौटते हुए वन आउट है गणेश न्यू बैट्समैन प्रदीप पटेल न्यू बैट्समैन के रूप में जाते हुए बिल्कुल अगर ये बल्लेबाज विकेटों पर खड़े रहे तो इस लक्ष्य को आसानी के साथ पूरा किया जा सकता है अब देखने वाली बात यह है कि ये कितने रनों से संतुष्ट होते हैं क्योंकि ये बल्लेबाज का अगर बल्ला चला तो इस आठ बाल शान की ट्रॉफी पर इनका नाम जरूर बचा जा सकता है अगली गेंद तानाजी पाटिल फिर से एक बार लेकर सज्जे होते हुए इस ओवर की अंतिम और आखिरी गेंद लेकर सज्जे होते हुए सामना करने के लिए तैयार संदीप पाटिल इस बार फिर
महंगा हुआ, ये जीवनदान काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि ये बल्लेबाज के पास क्षमता है, ये बल्लेबाज के पास क्वालिटी है, ये बल्लेबाज के पास उम्र है, ये बल्लेबाज के पास टैलेंट है। एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 12 गेंदे शेष है और 12 गेंदे जीत के लिए 21 रनों की जरूरत। ना आलू बस ना खास खिलवा रहा है ना, टीवी मैच बगल में जाने ना कालो खोल ना ना अरे ये दाई सर टैक्स तेरी एक ही साइड हो गई, जोर से देखा लगा इधर दूसरी साइड पे दाव कितना कर रहा है जा रहे के पास से आकर चलिए 20 किलो जाएगा है मानेश श्री प्रमोद जी वैदी सर और साथ ही साथ मानेश श्री अनिल टांडेल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हेलो आइए सर वीआईपी राइज की शोभा को बढ़ानी है प्लीज, आपको विराजमान होना है, आपका हार्दिक स्वागत है बड़े ट्रॉफी 2018 में सुस्वागत है। इस वक्त रनआउट के रूप में विकेट का मतलब होता हुआ और इस विकेट के साथ साथ स्कोर जहाँ पहुंचा है लगभग 8 रनों पर, 20 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। ठीक है तो वेलकम सर, सुस्वागत है आपका, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सुशांत के जन्मदिन के अवसर पर बड़े ट्रॉफी यहाँ पर रखी गई है, हार्दिक स्वागत करते हैं अपना आशीर्वाद आप देने आए हैं सर, आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल वैभव मोहित जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के लिए टी-शर्ट प्रदान किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी साइज भी नहीं बढ़े, कमी भी नहीं हुई, बनाला नुस्ता जो बिल्कुल। ट्रॉफी की अगर बात करें तो ट्रॉफी के लिए स्पॉन्सर राज्य के ठाकुर जी, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं। वाकबिल के कैप्टन आपको आना है टॉस के लिए, वाकबिल कैप्टन गुड बॉय कैप्टन, वाकबिल के कैप्टन है यहाँ पर मौजूद गुड बॉय टीमनी कैप्टन आने आपको इस बार, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुल डिलीवरी थी, बल्ले की जड़ में डाली गई गेंद, एक रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। गुड बॉय के भी कैप्टन आ चुके हैं और वाकबिल के भी कैप्टन आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस की प्रक्रिया यहाँ पर जरूर पूरी की जाए। सुशांत मुकादम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉस की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। गुड बॉय आइए स्टेज के सामने आना है और विनाद भाई टॉस के लिए आपके कैप्टन को भेजते हैं। पैसे दिल का बघ आपण नाही नाही नाना दिल का बघ मग आपण टाकू जाय इस बार ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा खत्म होता हुआ, दोनों ही टीमें ये चीज ध्यान में रखिए, दो ओवरों का ये मुकाबला होगा। दो ओवरों का ये मैच होगा, ये चीज ध्यान में रखिए, फाइनल मैच दो दो ओवर का। नौ गेंदे और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 17 रन। टॉस होने जा रहा है, टॉस हो चुका है, देखते हैं टॉस का बॉस कौन बना है और टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय लिया है, बैटिंग करने का निर्णय लिया है। गुड बॉय के कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर वाकबिल के कैप्टन से, आप रेडी पोजीशन में हैं, दो ओवर का मैच खेला जाएगा, इसमें सिर्फ 10 मिनट आपको दिया जाएगा मैच की इनिंग की समाप्ति के लिए। तो चलते हैं फिर से एक बार 40+ के मैच की बात करेंगे, इस वक्त हम देख सकते हैं रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 12 रन, जीत के लिए 28 रनों का पीछा करती हुई टीम, इस बार 20 रन लेकिन 9 मैच टाइम पे गेंद जीती हुई, गेंद को जब तक के फील्ड किया जाता है 2 रनों के लिए दौड़ लगती हुई और कामयाबी बल्लेबाजों के कदम चूमती हुई।
इस पूरन के साथ स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन खेला भर रहे हैं बैटिंग आई लीग 8 गेंदें अभी भी आना बैटिंग आई ना बल्कि जितना हम बंद बैटिंग आई रनों की शुरुआत वो है लगभग 14 रन 8 गेंदें 14 रन 8 गेंदों में 14 रन की दरकार 14 रनों की जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए गेंदबाज सदा अनुभव से भरपूर अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए इस बार मिस टाइमिंग से गेंद हवा में खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये खूबसूरत कैच विकेट का बटन होता है खास खेला टाइम पास चलने विकेट का बटन होता है मैं बस का पहला तू बस ये बस बर इधर ये बस ही है पैसे नहीं है पैसे नस्ते सात गेंदे अभी भी शेष हैं यहाँ पर इस वक्त सतीश पाटिल को भेजा गया है कंटे बगला का कंटा का है याची खेलोबाजी टीम है ना ती वेगळी आहे नाही वेगळी गटन आहे म्हणजे ते 40 प्लस सगळं आहे ना ते वेगळी गटन चे ही वेगळी गटन चे पर गेंदबाज सदा इस बार आने वाले से खेलने का प्रयास बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन शॉट पर गेंद को फील्ड किया गया गटन टॉप से एक रन से ज्यादा कुछ नहीं चलिए अंपायर के मैच में लेके कैनन ने लास्ट ओवर बाकी है और इसके बाद हमें एक और मैच करानी है तो फील्डिंग अपनी जगह सेट रखें 13 रनों की जरूरत 6 गेंदे 13 रन गेंदबाजी की कमान पर आए हैं डॉक्टर टाके लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज जीत के लिए लगभग 13 रनों की जरूरत 6 गेंदे 13 रन दोनों ही होनहार बल्लेबाज इस वक्त विकेट के बीच में नजर आते हुए एक तरफ की कमान संभाली है राजू दादा ने दूसरी तरफ एसपी इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आते हुए सतीश पाटिल 30 मिनट बिल्कुल राजू दादा की अगर बात करें तो विस्फोटक बल्लेबाज है लंबे रन लगाने में माहिर है उन्होंने अंतिम और आखिरी ओवर तक के अपने विकेट को संभाला है कुछ रणनीति के अनुसार बल्लेबाजी जरूर करेंगे इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड वाइड बॉल का इशारा एक रन जरूर मिलेगा ट्रिपल एस डीजे के संदीप मोहित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए आपको भी विराजमान होना है स्टेज पर हाल ही में आने वाले वक्त में नरेश स्पोर्ट्स की ओर से भी एक नाइट टूर्नामेंट यहां पर रखी गई है इस बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे बैक फुट पर जाकर बड़े हिट की कोशिश रही बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात है गेंद ऑफ के रूप में अगर तो 12 शिलान अनाउंसमेंट आएगी ट्रिपल एस डीजे के संदीप भोयर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए आपको भी स्टेज पे उपस्थिति दाखिल करानी है आज सुशांत मुकादम जी का जन्मदिन और पावरफुल किया है पावरफुल किया है सक्सेसफुल किया 6 रन के लिए क्या बात है क्या बात है इसलिए स्पॉन्सरशिप के लिए संभाल के रखा था इस होनहार खिलाड़ी ने स्कोर की अगर बात करें तो इस वक्त स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत गेंदे बची हैं लगभग 4 गेंदे 6 रन डॉक्टर डाकी आहिस्ते आहिस्ते महंगे साबित होते हुए 4 गेंदों में 6 रन की जरूरत राजू दादा ऑन फायर इस वक्त काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बीच की गेंद कदमों का इस्तेमाल किया कारपेट के सहारे खेला गया इसको गेंद आती हुई खराब फील्डिंग का प्रदर्शन नंदू द्वारा काफी खराब है 3 गेंदे 2 रन 40 प्लस पर अपना नाम लिखाने के लिए इस वक्त शेडुबा स्पोर्ट्स कासर बोलने के लिए को सिर्फ 2 रनों की दरकार 2 रनों की जरूरत क्या बात है प्रदीप पाटिल राजू दादा क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने विकेट को उन्होंने अंतिम और आखिरी ओवर तक के संभाले रखा और काफी चतुराई भरी बल्लेबाजी की इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास गेंद जाती हुई डीप पिरोग के क्षेत्र में गेंद तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे रन के साथ ही इस प्रतियोगिता को 40 प्लस की ट्रॉफी को आपने लॉक किया श्रीनिवास स्पोर्ट्स कासर वाले की टीम ने बिल्कुल और सुशांत की तरफ से इस टीम के लिए 1100 रुपए की इनामी राशि यानी बड़े बॉय की तरफ से इस टीम को 1100